हे गाइस, अब मैं लाई हूँ PGT म्यूज़िक 2014 सेट ए। एंड इसमें हमारे टियर वन है। यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस अच्छे से। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये हमारा टोटल मार्क्स हैं 200। इसमें हमारी सीट्स जो हैं वो मैंने बताई गई हैं, यू कैन सी एट द एंड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सेक्शन ए है, जो है हमारा जीके। जीके के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ये बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए आप नॉर्मल जो भी न्यूज़ चैनल है, आप हिंदी या इंग्लिश जो भी देखना पसंद करेंगे आप वो देख सकते हैं। एंड ज़रूर आप एक बारी जो भी मैचेस चल रहे हैं, या हमारा क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, टेनिस हो, इसके बारे में ज़रूर देखिए, क्योंकि ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं गेम्स के ऊपर भी। एंड जो भी हमारा आजकल हॉट टॉपिक है उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आप कोई भी किताब ले लीजिए एंड उसे डेली प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग डेली, क्योंकि स्कोरिंग होता है। एंड अगर आपने स्कोर अच्छे से कर लिया तो आपके जनरल पेपर में अच्छे मार्क्स आते हैं एंड आपके ज़्यादा चांसेस रहते हैं पेपर क्लियर करने के एंड कट ऑफ में भी अच्छे नंबर लाने के लिए। तो ये हमारे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। अब आते हैं हमारा मैथ्स। मैथ्स के लिए आप देखिए PGT है तो ऑब्वियसली 10th एंड 12th लेवल भी आ सकते हैं, क्योंकि पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 12th लेवल तक। तो आई वुड से कि आप ज़रूर पढ़ें हरिहंत की या बेसिक मैथ्स की, जो भी 10th क्लास तक की दिखाती है। प्रैक्टिस पेपर्स उन्हें आप सॉल्व कीजिए। मैं तो ये बोल रही हूँ कि जो मैंने पहले वीडियोस अपलोड करी हैं PGT मैथ्स की, और भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी, उसके जनरल पेपर्स आप अच्छे से सारे सॉल्व कर लीजिए। रीजनिंग और मैथ्स, अगर आपने ये सब कर लिए, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, तो बहुत स्कोरिंग हो जाता है, आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाता है कि किस तरह से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उनको डेली प्रैक्टिस कीजिए एंड एक तरह से आप नोट्स बना लीजिए, अगर आपको लगता है कि मैं इस मैथ्स के टॉपिक में कंफ्यूजन हो रहा है। फिर उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी आप खाली प्रैक्टिस कर लीजिए सारे पेपर्स हिंदी की, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से। और मैं ये आपको बोलूँगी कि एक 8th क्लास में हमारी कोडोवा बुक आती है, जिसमें आप ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं पर्यायवाची एक्सरसाइजेस, विलोम शब्द, सर्वनाम, विशेषण, हमारे बहुत तरीके की ग्रामर में टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो सारा सॉल्व कर सकते हैं। कि क्वेश्चन आते हैं हमारे इसी में से, बेसिक आता है हमारा। ऐसे ही हमारा इंग्लिश, इंग्लिश में भी आप डेली मतलब लाइक कर सकते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर एरर बहुत ज़्यादा आता है हमारा, ग्रामर, तो आप ये अच्छे से डेली प्रैक्टिस कीजिए। एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड वुमेन परफेक्ट, सो ऑब्वियसली आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका जनरल पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। अब हमारा ये है PGT म्यूज़िक, तो ऑब्वियसली पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ये क्वेश्चंस हैं। मैं इस क्वेश्चन पेपर के लिंक दूंगी, आंसर की भी लिंक दूंगी, तो आप उसे चेक कर सकते हैं, उससे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन यू कैन प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस, प्रिंट आउट निकालिए, ठीक है गाइस। देखिए क्वेश्चन में ये नहीं बोलती कि इसमें से आएंगे, बट इस टाइप के आएंगे, और इसमें से 10-20% क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और नेट की बुक आती है एक ट्रूमैन, वो आप ज़रूर ले लीजिए, उसके आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड एटलीस्ट वो कम से कम आप 5 से 10 बारी पढ़िए, कम से कम 5 से 10 बारी। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपके वहाँ पर खाली टाइम का ही खेल होता है। जितना जल्दी आप कर लेंगे उतना ही आप रिवाइज कर सकते हैं, और उतने ही आपको कम टाइम में आंसर्स, आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे कितना जल्दी मेरी स्कोरिंग है। अगर आपका टाइम एट द एंड पे ख़त्म होगा तो ऑब्वियसली यू विल बी ऑल्सो फीलिंग होपलेस, सो इट्स बेटर टू डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। फिर उसके बाद हमारा प्रैक्टिस तो है ही है, 11th 12th की NCERT भी ज़रूर पढ़िए, आप केरला स्टेट बोर्ड की, म्यूज़िक,
बुक आती है ऑनलाइन, मैं उसकी भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो भी ज़रूर पढ़िए। मैं तो बस यही बोल रही हूँ कि जो भी स्टेट है उसकी आप बुक पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम अगर क्लियर हो गया तो कोई जॉब इससे अच्छी नहीं है, अगर आप टीचिंग में ही जाना चाहते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड चांस, आई विल से गोल्डन चांस टू बी अ गवर्नमेंट पर्सन, गवर्नमेंट टीचर, जहाँ पर आपको एक्सपोजर मिलेगा। एंड कीप प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप चेक कर लेना। यहाँ हो गए हैं हमारे क्वेश्चंस ख़त्म, और टोटल हमारे क्वेश्चंस जो थे वो थे हमारे 100, एंड 100 हमारे जनरल पेपर के, सो टोटल हमारे 200 मार्क्स का था। इसमें जो हमारी सीट्स हैं वो जनरली हैं 37 जनरल के लिए हैं, अनरिजर्व्ड के लिए, और 53, 22 ऐसे ऐसे करके हैं। तो दीज सीट्स आर वेरी मच इनफ, क्योंकि आपको खाली एक सीट ही चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, टाटा।